के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर निशाना, कहा केवल वोट कटवा के रूप में चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। पूरे राज्य में प्रगति हो रही है और गोरखपुर में भी प्रगति हो रही है, इसलिए जनता विकास के नाम पर भाजपा प्रत्याशी को दे वोट। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए गए डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर कंट्रोल रूम का डीएम और ऑब्जर्वर ने किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। 12 मई को खजनी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला जवानों को लोकसभा चुनाव में सकुशल संपन्न कराने के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जुबैर खान की अध्यक्षता में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित हुई बैठक, लोकसभा चुनाव पर हुई चर्चा। विश्व हिंदू महासंघ लोकसभा चुनाव में बीजेपी का किया समर्थन, विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को दिया निर्देश। खजनी विधानसभा में 12 मई को होने वाले मतदान के संबंध में सीडीओ ने किया मतदान कार्मिकों के साथ बैठक, बताया मतदान संपन्न करने के नियम कानून। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वावधान में कोषागार कर्मियों ने 19 मई को मतदान करने का लिया शपथ। बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट सभागार में आयोजित हुई शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार पर परिचर्चा व संगोष्ठी, अधिवक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में मतदान कर्मियों को दूसरे दिन भी दिया गया प्रशिक्षण, ईवीएम और वीवीपैट के साथ मॉक पोलिंग की दी गई जानकारी। और चंद्रकांति रमावती आर्य महिला पीजी कॉलेज में आयोजित सामाजिक कुरीतियों और जन जागरूकता के प्रति वॉल पेंटिंग के विजयी प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि ने पुरस्कार देकर किया सम्मानित।